अगली खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से है, जहां केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर ग्वालियर के गोपाल मंदिर में पूजा अर्चना किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज मुझे गोपाल मंदिर में दर्शन करने का सौभाग्य मिला। भगवान कृष्ण इस पूरी पृथ्वी की रक्षा करें, यही मेरी प्रार्थना है, और हम सभी उनके दिखाए मार्ग पर चलकर अपना कर्तव्य निभाएं। इसके साथ ही सिंधिया ने कहा कि देशभक्ति के मार्ग पर चलें और भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने में अपना योगदान दें। मंदिर में दर्शन करने का सौभाग्य मुझे मिला, जो माधव महाराज के द्वारा स्थापित फूलबाग में गोपाल मंदिर है। भगवान श्री कृष्ण की लीला केवल भारत वर्ष पर नहीं, संपूर्ण पृथ्वी पर इस पृथ्वी का संरक्षण करे, और भगवान कृष्ण के दिखाए हुए पथ पर हम लोग सब चलकर अपना कर्म, देश के प्रति अपनी निष्ठा, कर्तव्य पथ पर चलकर भारत को भी विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने के लिए अपना पूर्ण योगदान दें। जहाँ कोटेश्वर मंदिर से शुरुआत, दर्शन करके शुरुआत की, गोपाल मंदिर में भी आज दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। दोनों सिंधिया परिवार के द्वारा स्थापित मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण इतनी सुंदर मूर्ति, सारे आभूषण भी माधव महाराज के द्वारा दिए गए थे, इतना सुंदर चित्र हमें दिख रहा है। ये सौभाग्य हम सब ग्वालियर वासियों का।